हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रानीज क्रिएटिव होम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मास्क कैसे बनता है। इस कोरोना काल में मास्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मास्क कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने 26x16 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है, तो बिगनर्स के लिए मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर पर काट के बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर को 4 times फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह हमें कपड़े को भी 4 times फोल्ड करना है। तो जहाँ से हमने न्यूज़पेपर को फोल्ड किया है वहाँ से हम 3 centimeter मार्क कर लेंगे। और ऊपर की साइड 6 centimeter मार्क कर लेंगे और इसकी लंबाई हम 7 centimeter कर लेंगे। और अब हम इसको एक मास्क का शेप दे देंगे। अब हम इसको मार्क किए गए निशानों से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह करना है। तो अब हम इसको एक कर्व शेप दे देंगे। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे और जहाँ से हमने फोल्ड किया था वहीं से हम इसको कट कर लेंगे और इस तरह से हम अपने कपड़े को सिल लेंगे। तो ये था न्यूज़पेपर पे ट्रायल। तो अब हम इसको फैब्रिक पे करते हैं। तो अब हम न्यूज़पेपर की मेजरमेंट से इसको भी मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह करना है। तो इसको मार्क करने के बाद अब हम इसको मार्क किए गए निशानों से कट कर लेंगे। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मास्क एकदम कर्व शेप में आया है और अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो अब हम इसको उल्टा फोल्ड कर लेंगे और इनको जहाँ से हमने कर्व शेप दिया है वहाँ से इनको जोड़ के स्टिच कर लेंगे, यानी कि सिल लेंगे। आप देख सकते हैं हम इसको स्टिच कर रहे हैं यानी कि सिल रहे हैं। तो हमें ऐसे 2 parts तैयार करने हैं। देखिए, हमारा पहला पार्ट सिल चुका है, तो अब हम इसका दूसरा पार्ट भी सिल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इन दोनों को सिल लिया है। अब हम इन दोनों को मिला के सिल लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह सिल रही हूँ, इसी तरह आपको भी सिलना है। हम इनको दोनों तरफ से सिल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको सिल लिया है। हमने इसकी साइड वाली जगह छोड़ दी है ताकि हम इसको पलट सकें। तो हम इसको पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी एकदम परफेक्ट मास्क की शेप आई है। तो अब हम इसकी डोरी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमें इस तरह फोल्ड करना है और फिर उसके बाद इसको सिलना है यानी कि स्टिच करना है। हमें इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है और सिलते जाना है। इस तरह हमारी डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी डोरी बन चुकी है। तो अब हम इसको मास्क में इस तरह लगा के सिल के अटैच कर लेंगे। हम इनको दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मास्क बनकर तैयार है। यहाँ पे हमने 3 तरह के मास्क बनाए, 1 छोटा और 2 बड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चों का, 1 ये 2 बड़े। 2 में हमने डोरी लगाई है और 3रे वाले में हमने इलास्टिक लगाई है। तो हमारे मास्क बनकर तैयार हैं। तो आप जब भी घर से बाहर जाइए इनको ज़रूर लगाइए, हमेशा नाक के ऊपर, देखिए कुछ इस तरह। तो वैक्सीन लगवाइए, स्टे होम स्टे सेफ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल रानीज क्रिएटिव होम का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।